दो तारीख के दिन में 1000 भी शाम में कोई देगा तो उसी को मैं वोट डालूंगा। दारू बंद कहाँ हुआ है? दारू बंद होगा तो हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। हम दारू नहीं पीते हैं, तारी पीते हैं, ठीक ना? तारी पीते हैं, दारू बंद करवा दिया, तारे का दाम हो गया 10 के बदले 30। हमारे हिंदुस्तान, मेरा नाम MD घुरो मिस्त्री। अच्छा अच्छा, क्या काम मिस्त्री? मैं वेल्डिंग करता हूँ। अच्छा, वेल्डिंग, लोहे को तोड़ के जोड़ना, यही सब काम करता हूँ। क्या बताना चाहिए? बताना यही चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितना भी सरकार बना है वो आज तक गरीबों को कोई हेल्प नहीं दिया है, खाली अपनी सरकार बना के उसके बाद अपने पॉकेट को भरने के पीछे रहता है। आप कोई ऐसा माई कला नहीं जन्मा जो गरीब यहाँ जनता मर रहा है उसके पीछे आके मैं उसके पीछे थोड़ा सा कष्ट मौसम भी उसका लूंगा, ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं। मोदी जी बता रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत काम कर दिया गरीबों। मोदी जी बता रहे हैं, खूब सुंदर से बता रहे हैं। मोदी जी कभी आए हैं अपने आप से दर्शन करने के लिए? वो आते हैं कहाँ कहाँ आते हैं? दिल्ली में। कहाँ आते हैं? गुजरात में। और यहाँ आम सभा में उनको मिलने का फुर्सत नहीं है, जहाँ से वो जीता है वहाँ मिलने का फुर्सत नहीं है। और दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार के जो विकास के बाद हैं उनकी स्थिति क्या है? नीतीश कुमार जो है वो तो एक नंबर में बिहार से पहले ही भीतर चले जाएंगे, इसलिए भीतर मतलब उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। एक इसलिए नहीं मिलेगा कि कारण उसने दारू बंद करवा के, जैसे हम दारू नहीं पीते हैं तारी पीते हैं, ठीक ना? तारी पीते हैं, दारू बंद करवा दिया, तारे का दाम हो गया 10 के बदले 30। अगर उसको दारू बंद करवाना था, बोलिए। तारी एक फल का जूस होता है, समझ गए? जैसे नारियल का जूस होता है। वैसे रुके, आप लोग हंसी मत। हाँ, नशा करता है भाईजान, नशा करता है। ठेका नहीं, कोई ठेका नहीं, अपने आप वहाँ वो दान हथेली पर रख के लोग चढ़ता है उतारता है, मेहनत करके उस पर लाता है, 10-20 रुपया कमाता है। मैं तारी पीता हूँ। अरे ये दारू बंद करवा के नीतीश कुमार जी बहुत बड़का गलती कर दी है, बहुत बड़का गलती कर दी, इसलिए कि दारू उसको बंद करवाने से पहले, दारू बंद करवाना नहीं था। दारू रुके रुके ना भाई जान, बोलिए बोलिए। जैसे देखो उनके उनके दावे ये हैं कि शराब पीने से बहुत मतलब बहुत घर बर्बाद हो रहे थे और ऐसी परिस्थितियां थी, तो अभी दारूबंदी की क्या स्थिति? अच्छा, आप नीतीश कुमार जी से पूछिएगा कि दारू बंद होने के बाद कितने घर आबाद हो गए हैं। सभी घर परेशान है, दारू बंद होने से और घर परेशान हो गया। मान लिया जाए हम ठेला चलाते हैं, गए 20 रुपया दारू पिए, फिर उससे 100 रुपया कमाते थे। अभी क्या हुआ कि वो दारू बंद हो गया, वही दारू बिक रहा है, 20 रुपये का दारू बिक रहा है 100 रुपये में। इसका ऊन साफ करने के लायक है? नीतीश कुमार जी बनते हैं, वो आए तो नेतागिरी यहाँ दिखावे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, दारू बंद हो गई है? दारू बंद कहाँ हुआ है? दारू बंद होगा तो हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। दारू बंद होगा तो हिंदुस्तान बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान की सरकारें गिर जाएगी। इसलिए कि बिना नशा का यहाँ पर कितना आदमी जी सकता है मालूम है आप? सर जी, आप तो पढ़े लिखे हैं MBBS, यहाँ पर 4 आदमी बिना नशा का जी सकता है, 12 आदमी नशेबाजी है। जिसके पास औकात है वो आया अपने घर पे बीवी बच्चे के साथ, आओ बेटा आओ खाओ चाउमीन खाओ मिठाई खाओ, अपने पास कोई औकात नहीं है। मैं पी के जाता हूँ, अपना औकात भुला घर जाता हूँ, तब बीवी बच्चे से प्यार करता हूँ। यही मेरा पहचान है भाई, यही मिस्त्री की पहचान। बोलिए घर पे जाके, बोलिए तो कौन कौन चीज गड़बड़ है? बोलिए, हाँ बोलिए। क्या नाम है तुम्हारा? बोलिए MD राजा। बताओ, बोला ने? बता बता, मारेंगे नहीं, चिंता मत कर, कोई बात नहीं। निहाल खान। अच्छा, निहाल खान नाम, जो बोले सो निहाल। पापा लड़ते हैं घर पे जाके? बोलिए नहीं। नशा से केवल घर बर्बाद नहीं हो रहे थे, शांति के लिए भी। नशा शांति के लिए है। आज के डेट में अगर लोग नशा नहीं करेगा तो दिन दहाड़े लोग को गोली मार देगा। अभी गांजा का बिक्री बढ़ गया है, भांग का बिक्री बढ़ गया है, दारू जो बंद हुआ है इसके वजह से। और उसके बाद प्रशासन में क्षमता है, वो जो कीमत ले रहा है सभी से, गांजा बेचने वाले से 5000, जो भांग बेच रहा है उसे 1000। ये क्या इंसाफ रखा के बैठे हुए? तुमने बताया कि दारू बंद नहीं हुई है, तो कहाँ बंद मिलती, कहाँ मिलती है दारू अभी? कहाँ मिलती है ये मैं बता दूँ? मैं दारू पीता नहीं भाई। जगह का नाम मत, आपको दारू खोजना है, सुनिए, आपको दारू खोजना है तो आप कल एक गाड़ी से आइएगा, ठीक ना? और मेरे लिए 1,00,000 रुपया लेके आइएगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा बच्चा ये खाएगा,
मुझे 5 लाख रुपया कीमत दे सरकार और मैं पूरे बिहार का ठेका नहीं बंद करवा दिया तो मेरा नाम भी MD घूरो मिस्त्री नहीं, मैं पक्के मुसलमान हूँ, मैं कच्चा मुसलमान नहीं हूँ। 20 लाख रुपया कुर्बान कर चुका हूँ, मेरे सर पर एक बढ़िया कपड़ा भी नहीं है भैया, कुछ नहीं है। ये ही सब सरकार की वजह से, मैं सोच रहा था कोई बढ़िया आएगा जो गरीबों को जिलाएगा, ये गरीबों को नहीं जिलाने वाली सरकार है, जितने भी सरकार है ये खुद जीने के लिए जन्मा है, किसी को जिलाने के लिए नहीं जन्मा है, ये खुद अपने अपने बेटे को पढ़ाएगा कहाँ विदेश में। ये जो डॉक्टर है आप बताइए, दवा का कीमत है 5 रुपये का दवाई ले रहा है 25 रुपया, ये अंधेरी का चोल इसको बढ़िया लग रहा है, लग रहा है बढ़िया सब चीज में, जो जो मेन चीज चाहिए, मतलब हमारे गांव का आलू जन्मता उसका कीमत है 5 रुपये किलो, आ ये भोसरी वाले खरीद ली उसका कीमत बना दिया 40 रुपये किलो, क्या हो रहा है? सारे चीज यहाँ पर मत्कारगिरी हो रहा है। और मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नेता बनूंगा ना भाई, तो हिंदुस्तान का जो है अगर बादशाह तो भोसरी वाले बेईमान थे, अगर बादशाह मत्कार थे अकबर बादशाह शाहजहान जिसका बना हुआ, अकबर बादशाह क्या थे, वो अपने मौज करने के लिए लोगों को बुरोक बना के अपना मौज कर रहा है। ये कैसे पता चली, ये पैसा इसलिए पता चला भाई जान कि हम गरीबों के लिए अल्लाह है, ठीक ना, अमीरों के लिए कोई अल्लाह नहीं है, गांधी जी का अमीर, ये समझ में नहीं आया कि जैसे गरीबों के लिए भगवान है ठीक, अमीरों के लिए कोई भगवान नहीं है, अमीरों के लिए पैसा ही भगवान है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आज बैंक में चलिए, ये बैंक वाला मैनेजर, हाँ आप अपनी बात में इतिहास के बड़े बड़े जो नाम है उनकी कब्रें खोद रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में और अकबर बता दें, अकबर का क्या बता रहे हैं? अकबर के बारे में तो हम बता दिए, लेकिन मेरे बारे में भी जान लीजिए आप, अकबर का बादशाह आप ब्रेक कर देंगे, पहले मेरे बारे में आप जानिए, मेरी स्थिति पहले जानिए ठीक। मैं अपना बयान करता हूँ अभी से, ठीक ना, मैं एक यहाँ का जनरल मिस्त्री हूँ, जो मैं हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पिस्तौल भी बनाता हूँ भाई, लेकिन हाँ लेकिन मैं शरीफ का चौधल हूँ, मैं बढ़िया काम करता हूँ, कोई हथियार कोई फतियार से कोई, मैं SSB वाला का काम कर चुका हूँ, कट्टा बनाइए पट्टा बनाइए हेलीकॉप्टर जो हमसे बनवाइएगा मैं सब बना दूंगा, इसके लिए कोई अल्लाह का रहमत है ऊपर वाले भगवान का दया है, विश्वकर्मा का गुलाम है, हाँ कारीगर में मेरे से बिहार में कोई हाथ नहीं मिला लेगा, जो चीज बोलेगा मैं वो बना के रख दूंगा, ठीक ना, हेलीकॉप्टर में। इससे मुझे शिकायत जितने नेता है कुल से यही शिकायत है, ये तो एक का मुसीबत दूर नहीं करता दूसरे वादे, मैं का कर चुका या नहीं, अब का वादा पूरा करने चले आता है, अगर वो सच्चे इंसान है तो अपने माँ का वादा पूरा करे, अपने भाई का वादा पूरा करे, फिर बाद में आके अपने बीवी का वादा पूरा करे, पहले माता है ना, माता से पहले भगवान है, उसके बाद मेरा बीवी है, उसके बाद मेरा बच्चा है, चारों का चार हुलिया है, यहाँ पर नेता कोई हुलिया नहीं रखा, ये चल रहा है जानते हैं क्या, मैं एक शब्द बता के जा रहा हूँ, आप मुझे जितनी देर में की बात मुझे लग रहा है राजनीति से गहरी नाराजगी, हाँ एकदम। अच्छा वोट डालते हो? वोट मैं अगले साल से डालना बंद कर दिया, अगले याद इलेक्शन हुआ था ना उस समय से मैं वोट डालना बंद किया, इसलिए मैं वोट का कीमत मैं लूंगा तब वोट दूंगा। कीमत कितनी लगा? कीमत 1 लाख रुपया, मैं जैसे भिकमंगा हूँ मेरा जिससे काम चल जाए, मेरा बीवी बच्चा जी जाए, एक वोट का कीमत 1 लाख रुपया प्रति आदमी को, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने महामंत्री बने वो अपना जाके जज्बा, मतलब जो अपना पौधा लगावे कि मैं 10 करोड़ लगा के मैं नेता बना हूँ, इसमें मैं 1-1 लाख रुपया सबको दिया हूँ, तब उसको मानूंगा कि ये माई का लाल है, यहाँ सब झूठे मत कराते हैं। मैं किसी को दूंगा जो मुझे पैसा देगा, ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ, अभी कोई नहीं आया, जो आएगा भाई लीजिए 1,000, 2 तारीख के दिन में 1,000 भी शाम में कोई देगा तो उसी को मैं वोट डालूंगा, बिना पैसे किसी का अपना मत को दान नहीं करूंगा, मेरे मत का कीमत दे फिर मेरा मत ले ले, उसके बाद वो अपना मत चलावे।